महिलाओं को सती होते देख औरंगजेब ने क्या किया। औरंगजेब के दौर के भारत को जानने के लिए मनुची के दिल्ली के बंगाल तक की यात्रा में क्या देखा। मनुची ने दिल्ली से बंगाल तक की यात्रा में क्या देखा। मनुची ने भारत में सती प्रथा के बारे में क्या लिखा है। सती प्रथा के बारे में औरंगजेब ने क्या किया था। मुगल खानदान में तख्त या ताबूत की जंग सेटल हो चुकी थी। दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब के हाथों मारा जा चुका था। औरंगजेब दूसरे भाई मुराद बख्श को भी निपटा चुका था। तीसरे भाई शाह शुजा को भी वह आगरा और दिल्ली से बहुत दूर खदेड़ चुका था। निकोला मनुची इस पूरे वाक्य का गवाह था। अपने हमदर्द दारा के मारे जाने के बाद मनुची बंगाल की ओर रवाना हुआ। मनुची लिखता है, दिल्ली से चलकर मैं कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद रुका। वहाँ का गवर्नर बहादुर खान था, उसने मुझे इलाहाबाद के किले में ठहराया। तीन नदियों के संगम का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। वह हिंदुओं का तीर्थ है, वे वहाँ नहाने आते थे। मुगल गवर्नर उनसे टैक्स लेता था, उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। ये कैसी बीमारी जिसने अकबर को अनपढ़ बना दिया। इलाहाबाद से मनुची बनारस रवाना हुआ। मनुची लिखता है, 8 दिनों बाद मैं बनारस पहुँचा। यह शहर छोटा लेकिन बहुत प्राचीन है। हिंदुओं में इस शहर की बहुत मान्यता है, क्योंकि यहाँ एक मंदिर में एक प्राचीन प्रतिमा है जिसकी वे लोग पूजा करते हैं। इस शहर में लोग सोने और चांदी के काम वाले कपड़े बनाते हैं। यह कपड़ा मुगलों के पूरे इलाके के अलावा दुनिया के कई हिस्सों में भी भेजा जाता था। हिंदुस्तान में बनारस के बारे में एक कहावत है, थोड़ा खाना लेकिन बनारस में रहना। इससे पता चलता है कि बनारस की आबोहवा अच्छी है, खेतीबाड़ी अच्छी होती है और खाना सस्ता मिलता है। मनुची बनारस से नाव के जरिए पटना रवाना हुआ। मनुची लिखता है, पटना बहुत बड़ा शहर है, यहाँ कई बाजार हैं और तमाम व्यापारी यहाँ रहते हैं। यहाँ बहुत बढ़िया क्वालिटी का मुलायम कपड़ा बनाया जाता है। यहाँ एक अंग्रेज और एक डच व्यक्ति के कारखाने भी हैं। पटना में कॉटन के कपड़ों के अलावा सिल्क का बेहतरीन कपड़ा भी तैयार किया जाता है। पटना में गन पाउडर भी बड़ी मात्रा में बनाया जाता है और उसे बंगाल भेजा जाता है। वहां से उसे जहाजों पर लादकर यूरोप के कई हिस्सों में भेजा जाता है। मनुची ने पटना का एक दिलचस्प किस्सा दर्ज किया है। वह लिखता है, पटना में मुझे आगरा का एक मित्र मिल गया। वह आर्मेनिया से आया था, का नाम ख्वाजा सफर था। उसके पास पटना के एक सराफ का एक पत्र था जिसमें लिखा था कि ख्वाजा सफर को वह सराफ 25,000 रुपये देगा। लेकिन पटना आने पर ख्वाजा सफर को पता चला कि सराफ दिवालिया हो गया है। ख्वाजा बहुत निराश हुआ। खैर, पटना के व्यापारियों का उससे पुराना लेन देन था, तो वे लोग उसके पास अपना कपड़ा बेचने के लिए आए। आर्मेनियाई ने उनसे 30,000 रुपये के कपड़े खरीदे और नावों पर लदवा कर सूरत भेज दिया। खुद वह पटना में ही रहा। जब व्यापारियों को पैसा चुकाने की बारी आई तो आर्मेनियाई एक दिन सुबह 2 मोमबत्तियां जलाकर बैठ गया। उसने सिर पर पगड़ी भी नहीं पहनी थी और मुंह लटकाए बैठा था। पटना के रिवाज के मुताबिक इसका मतलब यह था कि वह खुद दिवालिया हो चुका है। मनुची लिखता है कि शहर में सनसनी फैल गई तो लोग अपना बकाया लेने के लिए उसके पास आने लगे। गाली गलौज भी होने लगी, लेकिन आर्मेनिया का ख्वाजा सफर बस एक लफ्ज रटता रहा, दिवालिया। लोग उसे अदालत में ले गए, लेकिन वहां उसने चुपके से जज को 5,000 रुपये दे दिए। सुनवाई शुरू तो ख्वाजा सफर ने शराब से लेकर अब तक का पूरा किस्सा सुना डाला। कहा कि शराब ने पैसे नहीं दिए, इसी वजह से वह खुद दिवालिया हो गया। अब जज ने फैसला सुनाया, कहा कपड़ा व्यापारी खुद वह पत्र लेकर सराफ के पास जाए और पैसा वसूल करे, क्योंकि एक विदेशी अजनबी को इस तरह परेशान करना ठीक नहीं।